ओम श्री परमात्मने नमः। प्रवनो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन दास राज हृदया गर्भ सई राम सरचाग बलिवादत प्रभु बाण हूँ तो तन बरनी न जाय धरी महदीनी सात प्रदर्शिनी सियावर राम चंद्र शंकर हरि ओम गंगण पते नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरिया नान्याः प्रहारगुपतेरिदेयस्मिति
सत्यं वदामि च भवानी किलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराम् ने कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हम हमारे सुंदरकांड पाठ में बजरंगबली भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बजरंगबली भगवान आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए और हम सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बोल बजरंगबली की जय हो। पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में 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 हमारे घर कीर्तन Thank you.
सात समुद्र पार करके लंका नगरी में पहुंच जाते हैं और पूरी नगरी घूमने के पश्चात उन्हें एक ऐसा भवन दिखाई देता है जिस भवन के आगे तुलसी माता का पौधा लगा रहता है। उस तुलसी माता के पौधे को देखकर उनके मन में विचार आता है कि यहाँ पे कोई प्रभु भक्त अवश्य रहता होगा। विभीषण जी से भेंट होती है। पूरा वृतांत सुनाने के पश्चात बजरंगबली उनसे कहते हैं कि आप इतने राक्षसों के बीच में यहाँ पे कैसे रह पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिभ रहती है, उसी प्रकार मैं प्रभु का नाम लेकर यहाँ पे रहता हूँ। और जो श्री राम प्रभु का नाम लेता है उसका भक्त है, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम का सुमिरन कर ले फिर प्रेम की माला उसका दुश्मन के कर सकता। Thank you.
राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन
और वहां पर सीता माता के दर्शन देकर बड़े दुखी होते हैं। जैसे उनको अवसर प्राप्त होता है, सीता माता की गोदी में मुद्रिका डाल देते हैं। सीता माता उस मुद्रिका को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है, इस राक्षस नगरी में मेरे लिए प्रभु का संदेश लेकर कौन आया। प्रेम कर तुम अर्पोरा, दानत प्रिया एक मन मोरा।
चल जा बसिया दा मंगल भवन राम प्रभु के अनन्य भक्ति मिले ऐसा उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात सीता माता से कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, यदि आपका आदेश हो तो मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। माता की आज्ञा पाकर बजरंगबली अशोक वाटिका में अपनी भूख शांत करने के लिए पहुंच जाते हैं। बोल बजरंगबली की जय हो। बानर बांकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे बानर बांकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे ओ बानर बांकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे ओ बानर I'm not afraid.
I'm not the one who's running out of time.
प्रणाम सब प्रकार रघुपुर नामा
Good night.
Hare Hare Mahadev.
हर हुआ तुम सब
राम कहूं
तुम्हार सिया राम मंगल भवनी मंगलकारी भवंत दशरथ अजरक यारी बुद्ध दुरान श्रुति संपत पानी कई विधि सनदीति पठानी उन्नत दशान निरुकारी साई फल कई निकट में तुम अब आई यदि सदोचित मोर सिया भाई त्रिपुर पद ओढ़ कोई भावा कह सिन कले जबल जाए तिनाते नाई तुम बुल बस तप सिद्ध कर प्रीति सड़ मिल जाए तिना भवनी की बस कहीं की बस कर विप्रहारा अल विपरे पद बारे पारा उमा संद कहीं की बनाई मन गर्वत सो कर ही बनाई तुम चित सर से कले होई मारा राम बजे इतनात तुम्हारा अतिव संग ले नब पत दया सबई सुनाए कहत रस भय तुम्हें बात ते या
सियाराम मंगल भवन मंगल हारी, सुमन 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 सु
Oh,
धन्यवाद दिल विवाद राम राम कहिए।
सत विनय कुटिल सत प्रीति साजक मन सत सुंदर नीति तारत सत ज्ञान कहानी अति लोभे जन विरति बकाने क्रोधय सम तामय हरि कहता बुद्ध सय गीत भए फल जता रस कहि रघुपति चाप चढ़ा यह मत लच मन के मन भावा गंगा ने प्रभु विसिति कराया सब अवगुणों को क्षमा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। बोल करुणा निदान रघुनाथ सीताराम महाराज की जय हो। जो कुछ बण्यो वासु हरिपणि प्रभु सारो प्रभु करो जो कुछ पढ़ो मासु अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो हो नादान सुन गलती जाओ गलती 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 होती ही आई है प्रभु मत ध्यानी धरो नादान सु गलती गलती होती ही आई है प्रभु मत ध्यान धरो और समय याचना मांगने का सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय यह है कि हम प्रभु का नाम लें प्रभु के भजन करें। भजना सुथाने भजना सुथाने ओ माने आज रिजानो है भजना सुथाने भजना सुथाने माने आज रिजानो है मन को सुंदर काट कपाट बलाजी आज काने आनो है सुंदर काट कपाट सुंदर काट कपाट बलाजी आज काने आनो है सुंदर काट कपाट। देखो जिनकी दरबार में हाजिरी रह गई थी अब वो हाजिरी लगा सकते हैं नाचवा की हाजिरी सुंदर काट जाओ सुंदर काट कपाट बलाजी आज
जिसको हम पैदल चलकर पार कर सकते हैं, वैसे ही श्री राम कथा को मात्र श्रवण करने से, पठन करने से प्राणी इस भव सागर से पार हो जाता है। बोले रघुनाथ सीताराम महाराज की जय हो।